हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। इंडेक्सिंग को लेकर के काफी सारे कंफ्यूजन है। तो देखिए, इंडेक्सिंग किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। अब कैसे जीरो से स्टार्ट होती है वो दिखाने वाला हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए ये ए नाम का वेरिएबल है और इसमें स्टोर किया गया है इंडिया, INDIA, इंडिया स्टोर करा दिया गया है। अब इसमें जीरो से इंडेक्सिंग होने के क्या यहाँ पे प्रूफ है? तो यहाँ पे जब आप प्रिंट करवाएंगे ना, तो ए जीरो अगर प्रिंट करवाते हैं, देखिए ध्यान से, अगर मैं ए जीरो लिख देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये जीरो लिखा हुआ है, आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है? तो अगर मैं ए जीरो लिखूंगा तो यहां पर क्या आएगा आउटपुट में? आउटपुट में यहां पर सिर्फ आपको आई मिलेगा, वो भी कैपिटल में, जैसे कि लिखा गया इसमें वैसे ही, ठीक है? अगर मान लीजिए यहां पर थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आप लिस्ट बनाते हैं, LST नाम से एक लिस्ट बनाया और इस लिस्ट के अंदर किताबों के नाम है, जैसे पाइथन है, यहाँ पे पाइथन लिखा मैंने, फिर यहाँ पे जावा लिखते हैं, JAVA, ये जावा हो गया, फिर यहाँ पे कॉमा देते हैं, फिर यहाँ पे डबल डॉट कॉमा के अंदर C++ लिखते हैं, तो ये C++ हो गया, फिर यहाँ पे C लिखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बहुत सारे किताबों के नाम आ गए LST के अंदर। अब इसकी लिस्टिंग कैसे करेंगे, इसमें इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए, अगर आप प्रिंट करवाते हैं, यहाँ देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, अगर आप प्रिंट करवा देते हैं LST और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सीधी बात है, पाइथन आएगा। पाइथन आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, अगर आप यहां पर प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे पाइथन ही आपको देखने को मिलेगा, अगर ये कंडीशन रहती है तो। लेकिन इसके विपरीत अगर यही चीज ऐसे हो जाए, देखिएगा जरा, यहाँ पे देखिए, यहां पर ये वन हो जाए, वन, ठीक है? तो वन के कंडीशन में यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? तो ये हो जाएगा जीरो, जीरो नंबर पे पाइथन है और एक नंबर पे क्या है, जावा है, तो यहाँ पे जावा आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, जावा, तो यहाँ पे जावा आने वाला है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं हम स्लाइसिंग की। तो स्लाइसिंग में थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है। स्लाइसिंग में क्या होता है? स्लाइसिंग में यह होता है कि लास्ट माइनस वन हो जाता है। अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो लास्ट माइनस वन हो जाता है। तो स्लाइसिंग देखिए, अब स्लाइसिंग दिखाता हूं कि कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए LST यही वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, और अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, जीरो से लेकर टू तक। तो जीरो से लेके टू तक का मतलब ये हो गया, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया टू, यानी ये टू C++ पे आ रहा है। तो टू माइनस वन यानी पाइथन और जावा की बात होगी। तो इसको अभी हमें प्रोग्राम में भी चला के देखना होगा कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सेम प्रोग्राम को हम लोग प्रोग्राम में भी करके देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक बार कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, पहला एग्जांपल ए इज इक्वल टू इंडिया, इसको लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल डॉट कॉमा में इंडिया लिखा और ये बन जाता है स्ट्रिंग, ठीक है? तो स्ट्रिंग हो चाहे कोई भी चीज हो, तो इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होती है। तो अगर आप यहाँ पर ए को प्रिंट करवाएंगे और यहाँ पर जीरो रखेंगे, देखिए जीरो रखा तो जीरो का मतलब हो जाएगा आई, ठीक है? यानी इसको अगर चलाएंगे और सेव करेंगे तो यहाँ पर आने वाला है आपका आई। तो देखिए, यहाँ पे आई ही प्रिंट होके आ रहा है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर चेंज कर रहा हूं, अब जैसे यहाँ पे तो इंडिया था, दूसरा एग्जांपल उठाता हूं कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि LST जीरो का मतलब हो जाएगा पाइथन, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर अब हम इसे चलाएंगे तो देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर पाइथन ही आ रहा है। और अब बात करते हैं अगर वन की, तो वन पे क्या है बेटा, तो वन पे आपका है जावा, तो यहाँ पे जावा आएगा। तो यहाँ पे इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको चलाया हमने तो यहाँ पे देखिए जावा ही प्रिंट होके आ रहा है। तो यानी इंडेक्सिंग तो जीरो से ही होती है, ये तो क्लियर है। अच्छा, इसी चीज को टपल में लेके आए तो क्या टपल में भी ये पॉसिबल है? तो यहाँ पे टपल भी देख लेते हैं, टपल को किस तरीके से, टपल तो इम्यूटेबल होता है, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे अगर प्रिंट करवाए तो हो जाएंगे। तो इसमें हम चेंजेस तो कर ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे जो चीज दिया गया उसी को प्रिंट करवा रहे हैं, एक एक हिस्से को, तो वो तो प्रिंट करेगा ही। तो चाहे टपल की बात कीजिए, चाहे लिस्ट की बात कीजिए, किसी में भी ये काम करेगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग तो यहां जीरो से लेके टू तक, यही बात किया था ना, तो जीरो से लेके टू तक की बात करें तो जीरो पे आएगा पाइथन, वन पे आएगा जावा, और टू वाला प्रिंट होता नहीं है, माइनस वन हो जाता है जब आप स्लाइसिंग की बात करते हैं तो, ठीक है? तो यहां से अगर चलाएंगे तो पाइथन और जावा ही प्रिंट होने वाला है। तो देखिए, ये पाइथन और जावा ही प्रिंट होकर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। इंडेक्सिंग में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आई होप, ठीक है? अब इसी चीज को आप सी प्रोग्रामिंग में करेंगे तो सी प्रोग्रामिंग में भी सेम है, ठीक है?